और अब आज की सबसे शॉकिंग खबर। पिछले तीन दिन से ये न्यूज नेशनल मुद्दा बनी हुई है। देश के करोड़ों लोगों का खून खौल रहा है। निर्भया कांड के 12 साल बाद कोलकाता में फिर वैसी ही क्रूरता दिखी है। मामला आरजी कार मेडिकल कॉलेज में ट्रेनी डॉक्टर की हत्या और रेप से जुड़ा हुआ है। इसे लेकर देश में आक्रोश है। आज का अपडेट ये है कि कोलकाता हाईकोर्ट ने इस मामले की सीबीआई जांच के आदेश दे दिए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी आ गई है जिसमें बर्बरता और रेप की पुष्टि की गई है। इस रिपोर्ट के आधार पर गैंगरेप की आशंका भी जताई जा रही है। इस मामले को लेकर कोलकाता समेत देश भर में विरोध प्रदर्शन जारी हैं। महिला डॉक्टर को इंसाफ दिलाने के लिए रेजिडेंट डॉक्टर्स हड़ताल पर चले गए हैं। इस वजह से हजारों मरीजों को इलाज नहीं मिल पा रहा है। एक आरोपी संजय रॉय गिरफ्तार है। 9 अगस्त को कोलकाता के आरजी कार मेडिकल कॉलेज के सेमिनार रूम में महिला डॉक्टर का शव मिला था। आज सामने आई पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई सिहरन पैदा करने वाले तथ्य सामने आए हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में महिला डॉक्टर के साथ मर्डर से पहले रेप की पुष्टि हो गई है। मौत होने तक उसका गला दबाया गया था। गर्दन की हड्डी टूटी हुई थी। दोनों आंखों से खून निकल रहा था। चश्मे का शीशा आंख में धंसा हुआ था। सिर और मुंह से खून बह रहा था। बाएं पैर, गर्दन और होंठ पर चोट के निशान थे। रिपोर्ट के मुताबिक सुबह 3 से 5 बजे के बीच उसकी हत्या की गई। इस क्रूर विवरण के आधार पर वारदात में एक से ज्यादा लोगों के शामिल होने की आशंका जाहिर की जा रही है। शक गैंग रेप का है। लेडी डॉक्टर के रेप और हत्या के पीछे बड़ी साजिश की आशंका जताई जा रही है। आज इस मामले में कोलकाता हाईकोर्ट में बहस हुई। सुनवाई के दौरान कोर्ट में कुछ हैरान करने वाले दावे किए गए। याचिकाकर्ता ने कहा कि कॉलेज ने आत्महत्या की बात बताई और 3 घंटे तक शव देखने नहीं दिया। इस पर सरकार ने जवाब दिया कि हमें लगा कि लड़की ने आत्महत्या की, इसीलिए ऐसा कहा। इसके पीछे हमारा कोई इरादा नहीं था। इस पर कोर्ट ने सवाल उठाया कि आत्महत्या की बात बताई गई तो कहीं ना कहीं चूक हुई है। शव दिखाने में इंतजार कराया गया तो कहीं ना कहीं गुमराह किया गया है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी लेकर इस्तीफा दिया तो दूसरी जगह उनकी नियुक्ति क्यों हुई। सरकार के पास इसका कोई जवाब नहीं था। इस जज ने कहा कि यदि प्रिंसिपल ने नैतिक जिम्मेदारी के कारण पद छोड़ा तो एक गंभीर बात है और उन्हें 12 घंटे के भीतर दूसरी नियुक्ति दे दी गई। प्रिंसिपल को काम से रोकें, उन्हें लंबी छुट्टी दें, नहीं तो हम आदेश पारित करेंगे। इस बीच आरजी कार अस्पताल में सेमिनार रूम के पास मरम्मत का काम शुरू हो गया है। इसी सेमिनार रूम में लेडी डॉक्टर का शव मिला था। आरोप लग रहे हैं कि सबूत से छेड़छाड़ के लिए ऐसा किया जा रहा है। कोशिश यह है कि सीबीआई जब जांच के लिए यहां आए तो उसके हाथ कुछ न लग पाए। ये आरोप बहुत गंभीर है। इस मामले में कोलकाता से दिल्ली तक सियासी तापमान भी बढ़ा हुआ है। ममता बैनर्जी से इस्तीफा मांगा जा रहा है। बीजेपी ने इसे बड़ा मुद्दा बना लिया है। कम्युनिटी को सर्व करके फिर उसे क्या मिला, ये सोच सोच के इतना गुस्सा आता है। मतलब ये सिर्फ डॉक्टर के अगेंस्ट नहीं हुआ है, ये एक लड़की के अगेंस्ट, एक फेलो सिटीजन के अगेंस्ट हुआ है। मतलब हम वेट करेंगे क्या कुछ और, किसी और का कुछ होने का, तब हम जाके आंखें खोलेंगे। यही चाहते कि कोई तो एक सेंट्रल लॉ हो और स्टेट गवर्नमेंट से भी हमें पूरा बैकअप मिले, लॉ सेट करे जो हमें प्रोटेक्ट करे। हमारे पास कोई प्रोटेक्शन नहीं होता, हम नाइट ड्यूटीज करते हैं, हम सबकी जान बचा रहे, लेकिन हमारी जान बचाने के लिए कोई नहीं है। आपने कहा कि बेटियों को बचाओ, ये नहीं, तुम गलत हो, ये देखो क्या हुआ। पेल्विस में भी एक फ्रैक्चर है। लगता है कि ये कितना भी शक्तिशाली हो मगर एक आदमी के लिए या पूरी तरह करना बहुत मुश्किल है। इट इज ब्रूटल, मैंने पहले से ही कहा इट्स इनह्यूमन एंड इट इज अ हेइनियस क्राइम और रेयरेस ऑफ द रेयर केस। ये इट्स अ सेकंड निर्भय। वी वांट रेजिग्नेशन ऑफ द हेल्थ मिनिस्टर एज वेल एज चीफ मिनिस्टर। सरकार की तरफ से कड़ी कार्रवाई करना चाहिए लेकिन सरकार फिर भी दुविधा में है। सारे सारे बंगाल नहीं, सारे देश इस पर आंदोलित है, सारे देश की रोष उभर रहे हैं। बंगाल एक ऐसा प्रदेश बन गया है जहां कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं है। महिला मुख्यमंत्री होने के पश्चात ये हो रहा है, ये और भी चिंताजनक है। yeah!
पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आने के बाद कई सवाल उठ रहे हैं। सबसे अहम सवाल पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर यह है कि अगर इसमें एक से ज्यादा व्यक्ति शामिल हैं तो वो कौन है? क्या सच को छिपाने की कोशिश की जा रही है? कहीं उन लोगों को कोई राजनीतिक संरक्षण तो हासिल नहीं है? उम्मीद है कि इन सवालों के जवाब सीबीआई जांच से जरूर मिलेंगे।